आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। देख महेश जी, मैं मानवी को अच्छी तरह जानती हूँ। अगर से हल्का सा भी शक हो गया ना कि वो तेरी औलाद है तो इस बात को जरूर खोदेगी, इसलिए तू उसे कभी मत बताना कि तू उसका पिता है। तुझे मानवी की कसम, महेश जहां से भी आया वहां वापस चले जाए, क्योंकि अगर वो वापस लौट के आएगा ना तो हम सबको खून के आंसू पीने पड़ेंगे। खून के आंसू? पता है मॉन्टी अंकल, आपके आने की खुशी में बीजी ने क्या खाना बनाया? शाही दाल। ओए 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 ओए, मानवी जरा मेरी भी थोड़ी सी तारीफ कर देना। मैंने भी बीजी की हेल्प करी थी किचन में, कमर दर्द के बावजूद भी। हाँ नहीं तो अरे खाने का स्वाद तो तेरी सास ने ही डाला है ना। इतने प्यार से मॉन्टी के लिए खाना बनाया है। मॉन्टी अंकल, बीजी के हाथ के खाने में ना एक अलग ही बात होती है। मतलब उनके खाने में स्वाद के साथ साथ ना आशीर्वाद भी होता है कि नहीं बीजी? खाना तो हो गया और मैं जलेबी लाना भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। देख महेश जी, मैं मानवी को अच्छी तरह जानती हूँ। अगर से हल्का सा भी शक हो गया ना कि वो तेरी औलाद है तो इस बात को जरूर खोदेगी, इसलिए तू उसे कभी मत बताना कि तू उसका पिता है। तुझे मानवी की कसम, ठीक है बीजी, मैं वादा करता हूं अपने जीते जी ये बात उसे कभी नहीं बताऊंगा। ये रही गर्मा गर्म जलेबियां आपके लिए। आपको पता है मेरे पापा की बिना फेवरेट थी इमरती। लीजिए। बीजी सब्जियां आ गई, चलो। अरे इन्हें इन्हें तो मैंने पहले कहीं देखा है। खोजू तेरी याददाश्त क्या है? पिज्जा हब में हम इनसे मिले थे और उसके बाद हॉस्पिटल में भी मिले थे, खाना देने जब गए थे। तेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है क्या, या सच में भूल गए? हाँ, याद आया। ठीक है अब मैं चलूंगा। बना बीजी, जीते रहो।
इन्हें मैंने कहीं और भी देखा है। और कहाँ देखा है? दोबारा जरूर आइएगा। ख्वाहिशें बेहिसाब है, पर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है एक दिन माँ की तरह मैं भी लॉयर बनूं। लॉयर अभीरा अक्षरा शर्मा। जिस परिवार से मुझे वजूद मिला उस परिवार का दिल कभी ना दुखे, बस यही मेरी ख्वाहिश है। और मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी का हर एक लम्हा मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। मिसेस रूही अरमान पोद्दार बनकर। तकदीर ने रुख ऐसा मोड़ा, टूटे तारों ने तीन जिंदगियों को जोड़ा। अभीरा, तुमने अरमान के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद की। अब तुम्हारी जिंदगी इस घर के नियमों पर चलेगी। यहाँ की बहुओं की दुनिया घर की चार दीवारी तक सीमित है, समझी? समझी। रूही, अरमान और अभीरा, वक्त तीन जिंदगियों को जब ऐसे उलझाता है तब ये रिश्ता क्या कहलाता है? नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस पर। कहाँ देखा है मैंने इस मॉन्टी अंकल को, समझ में नहीं आ रहा। डब्बू मेरे भाई। हुँ? यार सॉरी, देख मॉन्टी अंकल के सामने मैंने तेरी ज्यादा खिंचाई कर दी ना, तेरे को बुरा लगा होगा। अरे पर मॉन्टी अंकल कोई भार वाले नहीं है, वो बिल्कुल मेरे पापा जैसे। उनके सामने अगर कुछ बोल भी दिया तो तेरे को बुरा तो नहीं लगा ना? दी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आपने मुझे कितना कुछ कहा है, मैंने अब तक आपकी किसी भी बात का बुरा माना है क्या जो अब मानूंगा? आप प्लीज ऐसा मत कहिए ना दी। थैंक यू मेरे भाई, तू बहुत क्यूट। मानी बेटा, बीजी क्या कह रही है मैं सुन के आती हूँ, फिर कर से बात करती हूँ, ठीक है? आप रहने दो ना, मैं उठा लूंगा, आप जाओ। उत्तरी, यही तो मोंटी अंकल है। पर ये पापा के साथ क्या कर रहे हैं? इन्हें तो बड़े पापा के साथ होना चाहिए। ये क्या चक्कर है डब्बू, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कितने वर्षों के बाद महेश को देखा, अच्छा लगा। दिल को तसल्ली हो गई कि वो सही सलामत तो है। हाँ बड़ी बी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं महेश भाई साहब को दोबारा मिल पाऊंगी। बहुत सुकून मिला उन्हें देख के। तू खामोश क्यों बैठी है? इतने वर्षों के बाद महेश को देखे तेरा कलेजा तो पिघल गया होगा ना? तुझे एक बार भी लगा कि जाके उसका हाथ थाम ले, तू उसे रोक ले? नहीं बीजी, 20 साल पहले उसे रोकने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन वो हम सबसे मुंह मोड़कर चला गया था। उस दिन हमने कैसे गुजारे थे मैं अच्छी तरह जानती हूँ बीजी। ऐसा लगता था कि हम उस गम से कभी उबर नहीं पाएंगे, लेकिन आज इतने वर्षों बाद जब हम वो हादसा पीछे छोड़ आए, जब इस घर को उसके बिना रहने की आदत हो गई है, तो वो वापस क्यों आया बीजी? क्यों? और मैं उसे क्यों रोकती? वो मेरा लगता ही क्या है? मेरे लिए तो महेश उसी दिन मर गया था जब मैंने अपनी जवान बहू की चिता जलती हुई देखी थी। महेश और उसकी यादें उसी आग में खाक हो गई, इसीलिए मैंने मानवी और जीविका को नहीं बताया कि उनका पिता अब भी जिंदा है। मैं नहीं चाहती थी कि उसके बुरे कर्म मेरे बच्चों के सामने आए, और आज तो मैंने महेश से भी वचन ले लिया है। मैंने उसे मानवी की कसम दी थी कि वो उसे कभी नहीं बताएगा कि वो मानवी का पिता है।
बीजी, बीजी आप इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं ना? ये है ना मेरे ताऊजी, मानवी दी और जीविका दीदी के पापा। बीजी बताइए ना, ये है ना आपके बड़े बेटे? हाँ बेटा, मोंटी महेश है, बदन का बड़ा भाई, मानवी और जीविका के पिताजी। इसका मतलब बीजी ने अब तक जो भी कहा वो सब सच है। तो ये बात मानवी को कभी मत बताना, चाहे कुछ भी हो जाए। खा मेरी कसम, खा मेरी कसम। नहीं बीजी नहीं, ये कसम मैं नहीं खा सकता। मैं मानवी दी से कभी कोई राज नहीं छुपा सकता, और ये तो इतना बड़ा राज है, मैं ये मानवी दी से हरगिज नहीं छुपा सकता। बीजी ये मुझसे नहीं होगा। तबू तुझे छुपाना होगा, अगर मानवी को ये सच पता चल गया ना तो वो टूट जाएगी बेटा, और तू तो जानता है वो माँ बनने वाली है ना बेटा। तुझे मेरी कसम है ऐसे हालात में उसे कुछ मत बताना। चल वादा कर बेटा, वादा कर मुझसे। ठीक है बीजी, मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगा। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। मैं आप सबसे भी विनती करती हूँ, जीविका और मानवी को सच्चाई नहीं पता चलनी चाहिए। तो भगवान से विनती करती हूँ, महेश जहां से भी आया है वहां वापस चले जाए, क्योंकि अगर वो वापस लौट के आएगा ना तो हम सबको खून के आंसू पीने पड़ेंगे। खून के आंसू? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।